दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टैक्सी क्यों में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले त्योहारों पर कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। दोस्तों चाहे वो मुसलमान भाइयों का चेलम व मुहर्रमों का त्यौहार हो, चाहे दोस्तों हिंदू भाइयों का दिवाली, चाहे दशहरा और दुर्गा पूजा हो, दोस्तों इन सबको बनाने के लिए दोस्तों कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों कौन से नियम है दोस्तों वीडियो को एंड तक देखोगे आपको मिलेगी पूरी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही तेजी से फैल रहा है। दोस्तों उसी को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार का दोस्तों कुछ नियम और कुछ शर्तों के साथ दोस्तों त्योहारों को मनाने की इजाजत दे जा रही है। दोस्तों कौन से नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा दोस्तों ये आपको मैं बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहें। पहले दोस्तों मुसलमान भाइयों के चेलमों के नियम बताऊं। दोस्तों आपको पता है कि 1 फीट से 6 फीट का ताजिया आप बना सकते हैं और दोस्तों अपने ही घर पे और अपने ही इमामबाड़े पे दोस्तों रख के उसके दीदार कर सकते हो। दोस्तों गली और चौराहों पर आप तो ताजिया नहीं ले जा सकते और ढोल ताशे नहीं बजा सकते। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, और मास्क भी लगाना आपके लिए अनिवार्य होगा दोस्तों, और सैनिटाइजर से हाथ धोना भी दोस्तों आपके लिए अनिवार्य होगा। और दोस्तों हिंदू भाइयों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको दिवाली, दशहरा व दुर्गा पूजा में दोस्तों आपको बड़ी मूर्ति बनाने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोस्तों ऐसे इन्हीं नियमों का आपको भी पालन करना पड़ेगा दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, सैनिटाइजर से आपको हाथ धोना पड़ेंगे दोस्तों, सामाजिक दूरी दोस्तों आपको बना के रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना दोस्तों अनिवार्य होगा, और दोस्तों जगह जगह पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी दोस्तों। यही सरकार की गाइडलाइंस है और पालन करना पड़ेगा दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।